आदल साहब, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? ये बीजेपी भी पूछ रही है, ये कांग्रेस भी पूछ रही है आज आपसे, किस बूते? नहीं देखिए, अगर इन लोगों ने अंगने में कुछ काम किया होता तो आज पूछने की जरूरत नहीं पड़ी होती। अगर इस देश के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही होती, अगर इस देश के बीमारों को अच्छा इलाज मिल रहा होता, अगर इस देश में हर राज्य में हर घर में 24 घंटे अच्छी और मुफ्त बिजली मिल रही होती, अगर महिलाओं को सम्मान मिल रहा होता, युवाओं को रोजगार मिल रहा होता, किसानों को उनके फसल का उचित दाम मिल रहा होता, तो आज हमको अंगने में आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हम आए राजनीति में इसीलिए हैं क्योंकि लोगों की जरूरत है, और इस देश के हर राज्य का युवा, बुजुर्ग, नौजवान, महिला, किसान, मजदूर सब अरविंद केजरीवाल जी की तरफ टकटकी नजरों से देख रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी वादा नहीं करते। वो नहीं कहते कि हम किसी के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए देंगे और चुनाव के बाद बोलते हैं जुमला है, वो नहीं कहते। जरूरत जनता को थी या नहीं थी, लेकिन यहाँ पर ज्यादा ये दिखता है कि कांग्रेस का खेल बिगाड़ने के लिए आप हर जगह घुस जाते हैं। नहीं नहीं, ये ज्यादा नजर आता है। नहीं बिल्कुल नहीं, देखिए हम किसी का खेल बनाने और बिगाड़ने के लिए कहीं नहीं जाते, हम इस देश की जनता का खेल बनाने के लिए जाते हैं। जब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि हम 24 घंटे और फ्री बिजली देंगे, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने भी उत्तराखंड में जाकर वादा किया था। चुनाव के बाद क्या हुआ, बिजली का रेट बढ़ा दिया गया। उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी तो होली और दिवाली में फ्री सिलेंडर दे रही थी, और चुनाव के बाद से लखनऊ वाले, नोएडा वाले, गाजियाबाद वाले और दूसरे शहर वाले दिल्ली की तरफ देख रहे हैं कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे। जो गारंटी आप देते हुए पहुंच जाते हैं हर राज्य में आदिल, अब उन सबको तो कांग्रेस बीजेपी दोनों अपना रही है, वो तमाम गारंटीज जनता के सामने रख रही है, तो आपके मैदान में उतरने से क्या फायदा जनता को? जनता के लिए जा रहे हैं ना। देखिए अरविंद केजरीवाल जी को इस देश की जनता गारंटी मैन के नाम से जानती है। हम जो भी गारंटी देते हैं, एक एक गारंटी को ईमानदारी से, जिम्मेदारी के साथ पूरा करते हैं। चलिए ठीक है, शुभकामनाएं आपको आदल साहब, बहुत शुभकामनाएं। अच्छा करे आम आदमी पार्टी, हम यही शुभकामनाएं दे सकते हैं, लेकिन जनता जनार्दन है, वो तय करेगी किसको कहां खड़ा करना है, कितनी सीटें किसे दिलानी है।